हमारे जो विधायक बने हैं बहुत अच्छे बने हैं, और टीएस सिंहदेव को हरा के बने हैं, जो सरुजा मुक्त हुआ ही एक अंबिकापुर मुक्त, जो विकास रुका हुआ था अंबिकापुर का सिर्फ टीएस सिंहदेव की वजह से रुका हुआ था। यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे हैं, मिठाई भी खा रहे हैं और खिला भी रहे हैं दूसरे। आप लोग आतिशबाजी जो देख रहे हैं ये है अंबिकापुर का घड़ी चौक, भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ पे आतिशबाजी किया जा रहा है क्योंकि हे गाइस वेलकम बैक, मैं न्यू ब्लॉग, और आज है 10 दिसंबर। हम सभी के लिए, पूरा सरगुजा वासी के लिए, पूरा सरगुजा संभाग और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही खुशखबरी का आज दिन है, बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का चयन हो गया है। कौन है वो हम जानेंगे, और आप लोग देख सकते हैं ये है बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और अभी मैं हूँ घड़ी चौक में अंबिकापुर के, और यहाँ पे खुशी का जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री बने वो सरगुजा संभाग से ही है, श्री विष्णुदे साय जी नए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं। तो आइए कार्यकर्ताओं से बातें करते हैं कि खुशी का माहौल कैसा है अंबिकापुर शहर में, और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई है, और आने वाले समय में बीजेपी क्या क्या कार्य करने वाली है ये सभी हम जानते हैं। जी, बहुत ही खुशी का माहौल है पूरे सरगुजा संभाग में, और ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है आज कमल फूल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हमारे सरगुजा संभाग से आदरणीय आदिवासी नेता विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, इससे पूरे सरगुजा संभाग में बहुत ही उत्साह का माहौल है, और निश्चित रूप से इस बार सरगुजा में चहुमुखी विकास होगा यहाँ का मुख्यमंत्री बनने पर। और क्या बदलाव देखने को मिलेगा? अभी बहुत सारी बदलाव होगी, अब सरगुजा से पहले कभी सीएम नहीं रहा, पहली बार मुख्यमंत्री हमारे सरगुजा संभाग से मिला है, तो निश्चित रूप से पूरे सरगुजा संभाग के हर विधानसभा में अच्छा चहुमुखी विकास होगा, और डिप्टी सीएम हमारे विजय शर्मा जी आदरणीय को बनाया गया है, उनके बनाने से पूरे युवाओं में, पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं में खुशी का लहर है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पे आतिशबाजी खूब हुई है ना, और भी आइए कार्यकर्ताओं से बातें करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। काफी हर्ष का विषय है कि एक हमारे संभाग से मतलब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, बहुत गर्व की बात, बहुत गर्व की बात है। जी हाँ। जी आइए और बातें करते हैं हमारे सर जी से। जी हमारे जो सरगुजा से क्या था, हमारे मोदी जी का निर्णय है कि हम भारत को तो बदलेंगे, अब छत्तीसगढ़ को भी बदलेंगे, क्योंकि मोदी जी का कहना है देश बदलेगा, छत्तीसगढ़ तो बहुत पीछे हो गया था मगर अब आगे होगा, क्योंकि विशेष आदिवासी नेता हमारा देश, हमारा संभागी आदिवासी है, तो आदिवासी को भी ऊपर लाएंगे, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ को भी ऊपर भारत में लाएंगे, और आने वाले दिन में छत्तीसगढ़ को बहुत ऊपर लेके जाएंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी का देन रहेगा, और लोग जानेंगे और देखेंगे भी इस चीज को कि वाकई में विश्व साजी के मुख्यमंत्री के दायित्व में डिप्टी सीएम हमारे विजय शर्मा जी के दायित्व में बहुत अच्छा कार्य होगा, हमारी युवा मोर्चा की टीम मिल के बहुत अच्छे कार्य करेगी, और सरगुजा का विकास जो रुकी हुई थी उसको दुगुना बढ़ाएंगे, दुगुना, और जो रुका हुआ था अंबिकापुर समाज सब बढ़ेगा, काम दुगुना तिगुना काम होगा, बस यही बोलना चाहूंगा मैं। आप लोग आतिशबाजी जो देख रहे हैं ये है अंबिकापुर का घड़ी चौक, भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ पे आतिशबाजी किया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री जो बने हैं वो सरगुजा संभाग से ही हैं। सरगुजा संभाग के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो छत्तीसगढ़ के नए सीएम बने हैं। यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे हैं, मिठाई भी खा रहे हैं और खिला भी रहे दूसरे को, लेकिन यहाँ पे मिठाई खाते हुए आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे अभी हमारे सर जी लोग जो है मिठाई खाते हुए, बहुत ही खुशी का माहौल। कितना खुश है आप? बहुत ज्यादा, बहुत खुश है, खुशी का माहौल आप देख सकते हैं, आतिशबाजी खुद यहाँ पे चला है। हमारे सरगुजा संभाग के मुख्यमंत्री बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे मुख्यमंत्री जो बने हैं वो हर समाज को देख के बने हैं, हमारा छत्तीसगढ़ आदिवासी को देख के बने हैं, और साथ ही साथ जितने डिप्टी सीएम बने हैं सब समाज को देख के बने हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे निर्णय ली है, और बहुत अच्छा समय पे ली है, जो कांग्रेस कभी जिंदगी में नहीं कर पाएगी, कभी नहीं कर पाती, और हम करके दिखाए हैं, और आगे अच्छा कार्य करके हम दिखाएंगे, बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ में कार्य होगी, बहुत अच्छे कार्यक्रम करेंगे। आजाद हो गया, हम सरगुजा भी आजाद हो गया है, सरगुजा कांग्रेस आजाद हो गया, कांग्रेस आजाद सरगुजा। और जो विधायक भी बने हैं उनके बारे में कुछ, जो यहाँ के जो विधायक बने हैं, अग्रवाल जी बने हैं, जो वो बहुत अच्छे, सिंह जी को हमारे हरा, बहुत ही अच्छे आदमी है वो। हमारे जो विधायक बने हैं बहुत अच्छे बने हैं, और टीएस सिंहदेव को हरा के बने हैं,
जो सरगुजा मुक्त हुआ ही एक अंबिकापुर मुक्त, जो विकास रुका हुआ था अंबिकापुर का सिर्फ टीएस सिंहदेव की वजह से रुका हुआ था, अब कार्य होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राज हमारे यहाँ भी है, अंबिकापुर विधानसभा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, और जो कार्य रुका हुआ था हमारा श्री टीएस सिंहदेव की वजह से रुका था, अब सब कार्य होगा, विकास करेगी हमारे सरगुजा, अंबिकापुर बहुत विकास होंगे। अब देखना है सरगुजा के लोग कि कहां से कहां पहुंचेंगे अपन लोग। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं यहां पे खुशी का माहौल हमारे सरगुजा जिला में, बहुत ही खुशी की बात की छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो हमारे सरगुजा संभाग से ही है, और बहुत ही खुशी का माहौल जैसे आप लोग देखे यहाँ पे आतिशबाजी हुई, मिठाई सभी ने खाया और खिलाया एक दूसरे को। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या निर्णय ये सही था या नहीं था। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।